अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चिकन पकोड़ा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इसे आप लाजमी ट्राई करें, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। चलें अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। चिकन पकोड़ा के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी। ये होममेड हल्दी है। अब इन तमाम चीज़ों से चिकन को मैरिनेट करें। मैरिनेट करके इसे 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके रखते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। खुला पानी लेकर इसे बॉईल कर लें। जब इसके अंदर बॉईल आ जाए तो चिकन को ऐड करें। मैरिनेट किया हुआ चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए कुक करें। आप इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे, इससे ज़्यादा आप इसे बॉईल नहीं करेंगे। चिकन पकौड़े का बैटर तैयार करने के लिए 1 कप दही ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह बीट करके ऐड करें। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड कर दें। 2 टेस्ट सॉल्ट, 1 सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून 1 चाट मसाला, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून। आप इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून, बेसन 2 टेबलस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें व्यूवर्स, आपके बैटर की बिल्कुल इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए। अगर आपको लगे इसमें दही कम है तो आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं और बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, चिकन को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसे मैंने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल किया था। स्ट्रेन कर लें और 1 घंटे के लिए इसे रखें ताकि इसका पानी सारे ड्राई हो जाए। फिर हम इसे मैरिनेट करेंगे। गर्म गर्म इसे मैरिनेट नहीं करना। चिकन ठंडा हो चुका है। अब जो बैटर तैयार किया है चिकन के अंदर ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें सफेद तिल स्प्रेड कर दें। सफ़ेद तिल डालने के बाद इसे मिक्स नहीं करना। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे ऑयल में ऐड कर दूँगी। इसे लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये इसका कलर डार्क हो जाएगा। जैसे ये फ्राई होगा मैं इसे निकाल लूँगी। जी तो व्यूवर्स, चिकन पकौड़ा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ।
आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल डन है, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आपको शादियों वाला जैसे चिकन पकौड़ा होता है उस तरह का फ्लेवर आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।